Welcome to the next Brahmastra revision session for CA final audit. So after the discussion of 700 to 706, we are now going in a particular sequence. मेरे हिसाब से sequence better है. तो हम लोग quality control का discussion कर रहे हैं, जो हम लोग final CA की new syllabus module देखते हैं. तो उसके अंदर first chapter quality control का है. ये quality control के discussion के अंदर दो standards देखने मिलते हैं. One is SQC 1 एंड सेकेंड वन इज SA 220. ऐसे दो स्टैंडर्ड्स देखने मिलते हैं. ओके और ये दो स्टैंडर्ड्स को बाइंड अप करते करते ये चैप्टर खत्म हो जाता है. बट अगर हम देखें तो सिर्फ ये दो स्टैंडर्ड्स नहीं है. व्हेन वी गो टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, उन्होंने कुछ पीयर रिव्यू बोर्ड, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये सब की भी बातें की हुई है. ऑलराइट, एंड दैट इज द रीजन दैट हमें फटाफट ये सभी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए. अब सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से. ये नोट्स एज आई हैव टोल्ड यू इन माय डिस्क्रिप्शन, आप देखिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पे मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हाउ टू डाउनलोड दिस नोट्स, पर ये मोबाइल ऐप के अंदर अवेलेबल है ये नोट्स. ओके, नाउ जब हम क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं, दो स्टैंडर्ड्स हैं और मैं दोनों स्टैंडर्ड्स को बाजू बाजू पढ़ा रहा हूँ. SQC 1 SA 220 ऐसा क्यों? पहली ध्यान से सुन लो, आपको ना दो रोल प्ले करने हैं. हम दोनों रोल डिवाइड कर लेते हैं. समझो हमारी कोई बहुत बड़ी फर्म है. ओके, समझो हमारी कोई बहुत बड़ी फर्म है जिसमें 15-20 पार्टनर्स हैं और मैं हूं वो फर्म का मैनेजिंग पार्टनर. मतलब मैं सुप्रीम पार्टनर हूं, आई एम द मैनेजिंग पार्टनर. और आप लोग सब भी पार्टनर्स हो, आप भी सब पार्टनर्स हो, लेकिन आप अपने अपना असाइनमेंट्स देख रहे हो. मैं ओवरऑल फर्म का हुआ मैनेजिंग पार्टनर. आई रिपीट, मैं ओवरऑल फर्म का हुआ मैनेजिंग पार्टनर. अगर किसी ने सूट्स की वेब सीरीज देखी है तो जो जेसिका का रोल प्ले होता है वही रोल की बात कर रहा हूं मैं. सो आई एम द मैनेजिंग पार्टनर एंड यू आर ऑल्सो द पार्टनर्स बट नॉट द मैनेजिंग पार्टनर. अब SQC 1 जो है वो मैक्रो लेवल है. वो फर्म के CEO मैनेजिंग पार्टनर को कहता है दैट पूरी फर्म में तुझे क्या क्या क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन करनी है, इंप्लीमेंट करनी है. यानी कि फर्म के हर एक काम के अंदर क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, इसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे फर्म लेवल पे किसकी है? मैनेजिंग पार्टनर की है. तो SQC 1 के एंगल से जब भी सोचो, जब भी SQC 1 के एंगल से सोचो तो एक CEO मैनेजिंग पार्टनर के एंगल से सोचो, जैसे कि पूरी फर्म की सिस्टम को आप सेट कर रहे हो. एंड ये जो फर्म की सिस्टम सेट होगी, ये हर एक पार्टनर अपने अपने ऑडिट एंगेजमेंट में, आई रिपीट, ये फर्म की जो पूरी सिस्टम सेट होगी, ये सिस्टम हर एक पार्टनर अपने अपने ऑडिट एंगेजमेंट में कैसे इंप्लीमेंट करेगा, वो SA 220 है. सो SQC 1 का टाइटल भी क्वालिटी कंट्रोल है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल इन SA, SRE, SE, SRS, सब कुछ, सारे असाइनमेंट्स के अंदर ओवरऑल फर्म लेवल पे क्या पॉलिसी प्रोसीजर होनी चाहिए. Then, ये फर्म ने जितनी भी पॉलिसी प्रोसीजर बनाई है वो एक एंगेजमेंट पार्टनर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करते वक्त अपनी ऑडिट टीम लेवल पे कैसे इंप्लीमेंट करेगा, वो है SA 220. सो एवरीवन, फॉर्मूला स्टाइल में पढ़ना है ताकि एकदम क्लियर हो, वरना ये चैप्टर बच्चे लोग को ऐसा लगता है कुछ तो थियरी ऐसे ही छोड़ देते हैं. सो एवरीवन, लुक एट दिस. SQC 1 के अंदर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ CEO मैनेजिंग पार्टनर टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. लेकिन क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज प्रोसीजर्स का मतलब क्या है भाई? क्या खाने को घी में, अच्छे शुद्ध घी में रखना है, इसका कौन सी क्वालिटी की बात चल रही है? अरे भाई, फर्म के काम की क्वालिटी की बात चल रही है. और अगर पूरे फर्म लेवल पे क्वालिटी लानी है तो ले अहम, आई रिपीट, ले अहम, इसको अच्छे से डिजाइन करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. अब ये ले अहम क्या है? ले अहम है एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. यानी कि मैं प्रज्ञेश पूरे फर्म के लेवल पे, मैं CEO मैनेजिंग पार्टनर ले अहम के लिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को डिजाइन करूंगा, इंप्लीमेंट करूंगा. लेकिन हर एक ऑडिट एंगेजमेंट में ये ले अहम को कैसे इंप्लीमेंट करना है, दैट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर. ऑलराइट, इसलिए ये ऐसा लगता है कि दोनों स्टैंडर्ड्स में सेम वर्ड्स है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों स्टैंडर्ड्स एकदम अलग अलग है. ऑलराइट, सो एवरीवन, ओवर हियर SA 220 SQC 1 पे डिपेंडेंट है. तो SQC 1 पढ़ाई करने का, फिर SA 220 ऐसे साइड साइड में देखते जाने का, तो एकदम क्लियर होता है. सो CEO मैनेजिंग पार्टनर विल डिजाइन एंड इंप्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रिलेटेड टू फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. विच एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल? ले अहम, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस, ह्यूमन रिसोर्स, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग. डोंट वरी, एक एक करके समझाता हूं. ऑलराइट, लेकिन ये जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो ये ले अहम को इंप्लीमेंट करेगा पूरे फर्म लेवल पे नहीं,
इन ईच ऑडिट एंगेजमेंट टू विच दैट पार्टनर इज असाइंड। तो एंगेजमेंट पार्टनर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि एंगेजमेंट पार्टनर को भरोसा मिल जाना चाहिए कि उसकी जो ऑडिट टीम है दे आर कंप्लाइंग विद प्रोफेशनल एंड लीगल स्टैंडर्ड्स एंड वो पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट का जो ऑडिट रिपोर्ट है दैट इज अप्रोप्रिएट। मुझे पहले सिर्फ इतना कंफर्मेशन चाहिए कि ये दो स्टैंडर्ड्स अलग अलग है और दोनों का अलग अलग क्या ऑब्जेक्टिव है। इतना क्लियर हुआ सबको? यस। एसक्यूसी इज एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल एंगेजमेंट्स बिकॉज इट इज द पैरेंट स्टैंडर्ड फॉर ऑल द एंगेजमेंट्स की फर्म लेवल पे जनरली क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होनी चाहिए। हर एक ऑडिट एंगेजमेंट में उसे कैसे इंप्लीमेंट करेगा वो है एंगेजमेंट पार्टनर। अब आपका फॉर्मूला स्टाइल में कैसे पढ़ना है? देखो भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है। इसके लिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने का काम किसका? सीईओ मैनेजिंग पार्टनर का। हर एक पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट में इंप्लीमेंट करने का काम किसका? एंगेजमेंट पार्टनर का। तो इसलिए देखो, पहले एल, फिर ई, फिर ए, फिर एच, फिर ई एंड फिर एम, हो गया। ऐसे पढ़ाई करोगे तो फटाक से दोनों स्टैंडर्ड खत्म हो जाते हैं। अरे एवरीवन ओवर हियर, सबसे पहले लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मैं सीईओ मैनेजिंग पार्टनर, मैं ध्यान देना पूरे फर्म की क्वालिटी का लीडर हूं। एंगेजमेंट पार्टनर जो है वो ऑडिट की क्वालिटी का लीडर है। मैं सीईओ मैनेजिंग पार्टनर, मेरी लीडरशिप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके अंदर क्लियरली क्या दिखना चाहिए? सीईओ मैनेजिंग पार्टनर शैल अज्यूम अल्टीमेट लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स शैल बी डिजाइंड कीपिंग इन व्यू द फॉलोइंग कंसीडरेशंस। मतलब सीईओ मैनेजिंग पार्टनर का लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्वेश्चन आया तो 4 मार्क का कॉड ये याद रहना चाहिए। सी फॉर कमर्शियल कंसीडरेशंस क्वालिटी से नीचे है, यानी क्वालिटी कमर्शियल कंसीडरेशंस से ज्यादा है। ओ फॉर मेरे, मैं जब पूरे फर्म लेवल पे हर एक ऑपरेशन के जो लीडर अपॉइंट करूंगा उनके अंदर अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। सिर्फ बातें करके नहीं होगा, एक्चुअली रिसोर्सेज डिवोट करने चाहिए फॉर क्वालिटी कंट्रोल। बड़ी बड़ी फर्म में पता है ट्रेनिंग वेनिंग करवाते हैं लोगों की। देन दिखना चाहिए मेरी मेरी स्टाइल में, मेरे एक्शन में आई शुड डेमोन्स्ट्रेट कमिटमेंट टू क्वालिटी। मेरी पूरी पॉलिसीज प्रोसीजर्स में कमिटमेंट टू क्वालिटी डेमोन्स्ट्रेट होनी चाहिए। तो मैं सीईओ मैनेजिंग पार्टनर कॉड का ध्यान रखूंगा। ऑलराइट, जो एंगेजमेंट पार्टनर है, अब एंगेजमेंट पार्टनर जैसे बोलता, यानी एक छोटा सा ऑडिट एंगेजमेंट इमेजिन करो, आर्टिकल्स है, एम्प्लॉयज है, ऐसा इमेजिन करो, एक ऑडिट टीम है उसका एंगेजमेंट पार्टनर। सो जो एंगेजमेंट पार्टनर होगा ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी ऑफ ईच ऑडिट एंगेजमेंट असाइन टू हिम। और एंगेजमेंट पार्टनर के जो एक्शंस एंड मैसेजेस है उसके अंदर आईक्यू दिखना चाहिए। एंगेजमेंट पार्टनर के अंदर आईक्यू होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसके एक्शंस एंड मैसेजेस में आईक्यू दिखना चाहिए। आईक्यू का मतलब आई फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ एंड क्यू फॉर क्वालिटी इज एसेंशियल इन ऑडिट एंगेजमेंट। मुझे पता है आपके एंगेजमेंट पार्टनर से कभी ये सब किया नहीं, पर अभी छोड़ो, अभी बुक की बात करो। सो इंपॉर्टेंस ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर अपनी टीम को समझाना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ कैट, कैट सी फॉर कंप्लायंस विद प्रोफेशनल एंड लीगल स्टैंडर्ड्स, कंप्लायंस विद फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ए फॉर हे ऑडिट टीम के मेंबर्स, ऑडिट रिपोर्ट ऐसा बनाओ कि अप्रोप्रिएट हो। और ओ टीम वाले तू डर मत, मैं हूं ना तेरे पीछे। टीम्स एबिलिटी टू रेज कंसर्न्स विदाउट फियर। तो बॉस मैं आपको फटाफट नोट्स समझा रहा हूँ, लेकिन मेरा लेक्चर खत्म हो जाने के बाद फटाफट ये नोट्स को रिव्यू करना है और मॉड्यूल से मैं जो थोड़ा बहुत बोलता हूँ करना है, दैट्स इट। ऑलराइट, डन। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर। एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को, एथिक्स को लेकर सारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को जो डिजाइन करना है वो फर्म लेवल पे सीईओ मैनेजिंग पार्टनर करेगा। ऑलराइट, SQC1 में लिखा है फर्म सीईओ मैनेजिंग पार्टनर शैल एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू एंश्योर कि सारे के सारे फर्म के जो लोग हैं दे कंप्लाई विथ रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ये एथिक्स को लेकर जब मैं पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स वगैरह जो बना रहा हूं अगर उसके अंदर स्पैम दिखना चाहिए। सर स्पैम, भाई स्पैम, पहले तो स्प्रेडिंग अवेयरनेस कि एथिक्स क्या है, वो मुझे स्प्रेड करनी अवेयरनेस। देन अगर कोई एथिक्स फॉलो नहीं करता तो उसका प्रोसेस क्या होता है फॉर डीलिंग विथ नॉन कंप्लायंस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे कोई एम्प्लॉय ने मेरे क्लाइंट प्लेस पे जॉब ले लिया तो एथिक्स का कॉम्प्रोमाइज है। सो प्रोसेस फॉर डीलिंग विद नॉन कंप्लायंस, एक्शन क्या लेने हैं, एक्शंस ऑफ फर्म्स लीडरशिप। मेरी लीडरशिप में भी दिखना चाहिए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। मैं खुद ही चोर रहूंगा तो एम्प्लॉयज महाचोर हो जाएंगे। एंड देन मॉनिटरिंग कि भाई ये सारी यू नो कंप्लायंसेस हो तो रहे हैं ना।
तो वन मोर टाइम, जो फर्म का सीईओ मैनेजिंग पार्टनर है वो जब पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाएगा ऑलराइट फॉर एथिक्स, तो उसके अंदर स्पैम दिखना चाहिए क्लियरली. देन इंडिपेंडेंस को लेकर, ये सबसे सेंसिटिव पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड का, इंडिपेंडेंस को लेकर कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स की बात की गई है. भाई इंडिपेंडेंस को लेकर हम, मैं पहले तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को डिजाइन करूंगा, फिर सबको कम्युनिकेट करूंगा, कम्युनिकेट करूंगा फर्म के पर्सनल को, देन मैं कुछ ऐसी सिस्टम भी बिठाऊंगा जिसके थ्रू मुझे पता चले कि लोग उसे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. एंड तो आप कौन हो, भूलना मत, आप कौन हो, एंगेजमेंट पार्टनर. ओ एंगेजमेंट पार्टनर, ओए अगर आपको कोई थ्रेट्स मिलती है कि आपकी टीम के लेवल पे कुछ लोग इंडिपेंडेंस वगैरह कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आप एक्शन नहीं लेने का, आप मुझे रिपोर्ट करने का, तो उसका मैकेनिज्म भी बनाऊंगा मैं. देन ये दोनों एमसीक्यू वाले पॉइंट है. एक तो हर साल एनुअली मेरे फर्म के जितनी भी टीम्स हैं जो ऑडिट एंड अश्योरेंस एक्टिविटीज में, उनसे मुझे डिक्लेरेशन लेना है कि भाई तू डिक्लेरेशन साइन करके दे कि यू आर कंप्लाइंग विथ इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स, कि तू इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रहा है, इसका डिक्लेरेशन मुझे साइन करके दे, जितनी भी ऑडिट एंड अश्योरेंस वाली टीम है. एंड खास करके जो लिस्टेड एंटिटीज है, लिस्टेड एंटिटीज उसमें एक जबरदस्त रिक्वायरमेंट है. अभी देखो कोई पार्टनरशिप फर्म जो लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट करती है वो तो बैक टू बैक टू टर्म्स मार सकती है ना, पांच पांच साल के, लेकिन एंगेजमेंट पार्टनर 7 इयर्स पे रोटेट होना चाहिए. आई रिपीट, ये जुलाई 21 में क्वेश्चन भी आया था. इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज एंगेजमेंट पार्टनर एटलीस्ट वंस इन 7 इयर्स रोटेट होना चाहिए. ऑलराइट, दैट इज वो फेमिलैरिटी थ्रेट को डील करने के लिए. तो भाई ये सब मैं इंडिपेंडेंस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को लेकर मैं सीईओ मैनेजिंग पार्टनर ऑलराइट ये सब चीजें डिसाइड करूंगा. आप एंगेजमेंट पार्टनर एसए 220 में क्या लिखा है, एसए 220 छोटा है बॉस, उसमें एंगेजमेंट पार्टनर का आपका क्या काम रह जाएगा कि मैंने जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाई है वो आप इंप्लीमेंट करोगे एंड आप अपनी ऑडिट टीम लेवल पे मॉनिटर करोगे कि वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. देन अगर आपकी ऑडिट टीम लेवल पे कुछ थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस वगैरह है तो आप उसे आइडेंटिफाई करो एंड आप मुझे रिपोर्ट करो. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके आर्टिकल्स एम्प्लॉयज जो है लिस्टेड एंटिटी के केस में क्लाइंट के शेयर्स में डील कर रहे हैं तो आप मुझे इन्फॉर्म करो और हम दोनों मिलकर एक्शन लेंगे. याद रखना एमसीक्यू, एंगेजमेंट पार्टनर खुद एक्शन नहीं ले सकता, ही विल रिपोर्ट टू द अप्रोप्रिएट पर्सन विद इन द फर्म टू डिटरमाइन अप्रोप्रिएट एक्शन. ऑलराइट, सो दैट इज एसए 220 का कंटेंट फॉर एथिकल रिक्वायरमेंट्स और SQC1 का तो यहाँ पे लिख ही दिया है. ओके, अगर आप जरा सा ध्यान दोगे कि मैंने समरी कैसे बनाई है, तो ये देखो एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, फिर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी का पॉइंट इधर आता है, ठीक है, फिर ये लोग क्या करते हैं पूरा SQC1 पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर ऐसे 220 करते हैं. तो मैंने लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी का पॉइंट इधर से लिया, फिर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी का पॉइंट यहां से लिया, ऐसे 220 से लिया और सामने सामने कंपेयर करके पढ़ाया. और आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा मेरी समरी में 80-90% चीजें सब कवर हो ही रही है. सो एवरीवन ओवर हियर, ताकि एक आपको रेफरेंस मटेरियल भी दीजिए कैसे बनाया है, ताकि आपको भी पता चले अगर आपको कंपेयर करना हो तो. चलो, एल फॉर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ई फॉर एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ऑलराइट, ए फॉर ले अहम है ना, सो ए फॉर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड एंगेजमेंट. लिसन टू मी, जब भी कोई नया क्लाइंट आने वाला है उसको एक्सेप्ट करे नहीं करे, या कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उसको, उसके पास कोई नया असाइनमेंट मिलने वाला है तो उसे एक्सेप्ट करे कि नहीं करे. अरे चाहे क्लाइंट हो या शादीशुदा अरेंज मैरिज में कोई रिश्ता एक्सेप्ट करना हो, तीन चीजें हमेशा इवैल्यूएट करनी होती है. एक तो सामने वाले की इंटीग्रिटी, देन खुद की औकात, फर्म्स रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज. अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक प्रोपराइटर को अपॉइंट करना चाहती है एज एन ऑडिटर, तो रिलायंस पे डाउट नहीं, मुझे प्रोपराइटर पे डाउट है. सो इवैल्यूएट फर्म्स रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज एंड देन तुम दोनों साथ में रह पाओगे. कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, देर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. सो आई रिपीट, अगर एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस की बात आती है तो तीन चीजें हैं, इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, फर्म के रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, पहले सामने वाले को इवैल्यूएट करो फिर खुद को इवैल्यूएट करो, एंड देन कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स. अब इसके अंदर अंदर से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने दो तीन कॉमा करके पॉइंट दे दिए. अगर आपको डिटेल में पढ़ाई करनी हो तो मॉड्यूल या तो मेरी टेक्स्ट बुक से पढ़ाई कर सकते हो. जैसे इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन बताता हूँ, देन इन दैट केस ऑब्वियसली उसका बिजनेस हिस्ट्री क्या रहा है, उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उसका रेपुटेशन क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, ऑलराइट, ये सब इंटीग्रिटी को लेकर, ठीक है. देन यही सब चीजें सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स री इवैल्यूएट होती है.
तो जब कंटिन्यूअंस की बात आती है, जब कंटिन्यूअंस की बात आती है, तो हम री इवैल्यूएट करते हैं 3 पॉइंट्स एज डिस्कस्ड इन एक्सेप्टेंस, एंड देन हम देखते हैं कि कोई लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट तो नहीं हुआ है बाय मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ये सब री इवैल्यूएट करने के बाद अगर आपको लगता है नहीं यार, दो डिसीजन ले सकते हो, या तो ये वाला असाइनमेंट छोड़ देते हैं या तो यार ये क्लाइंट ही छोड़ देते हैं। सो लेट अस से अगर आप विड्रॉल के बारे में सोच रहे हो, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट विड्रॉल, देन फर्म शुड एस्टैब्लिश विड्रॉल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट आर टू बी फॉलोड इन केस ऑफ विड्रॉल। विड्रॉल का भी एक स्टाइल होता है यार, आपका पता है लाइफ में भी ब्रेकअप करने का स्टाइल होता है, भाई जरा डिस्कस तो कर लो मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ कि रीजंस क्या है, आपकी जो भी लीगल प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसे फुलफिल कर लो, और ये आपके आखिरी कन्वर्सेशन से ये स्क्रीनशॉट संभाल के रखो, आगे काम आएंगे। अरे सॉरी, बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन करके रखो, थोड़ा रोमांटिक हो गया। डिस्कसिंग द मैटर विद मैनेजमेंट एंड अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, देन फुलफिल योर प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी विड्रॉल रिलेटेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एंड देन डॉक्यूमेंट सिग्निफिकेंट डिस्कशंस ड्यूरिंग द विड्रॉल स्टेज। ऑलराइट, ये हो गया विड्रॉल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। आप मानोगे नहीं, November 22 में विड्रॉल पॉलिसीज प्रोसीजर को लेकर क्वेश्चन था, 3 पॉइंट लिखो मार्क्स लेके जाओ, ये सब लिखो, 3 पॉइंट लिखो मार्क्स लेके जाओ। तो ये ऐसी समरी नोट से अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो ये 3 out of 5 या 4 out of 5 मिलते हैं। ऑलराइट, पर एटलीस्ट उतना भी अभी तो काफी है, वरना आप चाहो तो और भी डिटेल में मॉड्यूल और टेक्स्टबुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, सो एल फॉर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ई फॉर एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ए फॉर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस। लिसन टू मी, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस को लेकर मैंने SQC 1 ने क्या बोला है, ये एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूअंस को लेकर पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनानी है। एंगेजमेंट पार्टनर का रोल तो बहुत छोटा है भाई, क्लाइंट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना ये सब मैं डिसाइड करूंगा, तू क्या करेगा सुन। आप सिर्फ, मैंने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो इंफॉर्मेशन आप देखोगे। तो शादी करनी ही नहीं करनी है वो मतलब वो जो अभी आजकल तो बच्चे डिसाइड करते हैं, वरना नॉर्मली पेरेंट्स डिसाइड करते थे करें, और बच्चे खाली फीडबैक देते थे यार क्या चीज, कौन से घटिया इंसान को लेके आए। सो एंगेज पार्टनर शैल रिव्यू द इन्फॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट एंगेजमेंट ऑब्टेंड फ्रॉम फर्म्स पॉलिसीज प्रोसीजर्स। डिटरमाइन करो आपको क्या लगता है कि क्या कंक्लूजन जो भी मैंने बनाए आपको लग रहा है अप्रोप्रिएट है कि नहीं। देन अगर आपको लग रहा है यार कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं यार ये क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, देन यू कम टू मी एंड देन वी विल टेक एक्शन, यू योर सेल्फ कैनॉट टेक एनी एक्शन। ये ध्यान रखना, SA 220 वेरी क्लियर है, एंगेजमेंट पार्टनर विल कंसल्ट अदर्स इन द फर्म एंड देन टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस यस, एल हो गया, ई हो गया, ए हो गया, अभी एच, एच फॉर ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। अरे भाई मुझे बताओ फर्म में HR डिपार्टमेंट कितने होते हैं? ह्यूमन रिसोर्स वाला पॉइंट है ना, सिर्फ SQC 1 में ही है, SA 220 में तो एक ही लाइन है, बिकॉज HR डिपार्टमेंट तो एक ही होता है ना, पूरे फर्म का एक होता है, हर एक एंगेजमेंट पार्टनर की अपनी अपनी HR होती है क्या? तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स का पॉइंट सिर्फ SQC 1 में देखने मिलता है, SA 220 में तो सिर्फ एक लाइन है, वो भी मैंने ह्यूमन रिसोर्स के अंदर डाल के रखा है वो लाइन को फिट करने के लिए, वरना ह्यूमन रिसोर्स का पॉइंट SQC 1 को लेकर है। ऑलराइट, तो सब अपने अपने फर्म की HR को इमेजिन करो कि फर्म के पास ऐसी पॉलिसीज प्रोसीजर्स होनी चाहिए कि फर्म में ऐसे लोग रिक्रूट हो जिसके पास जबरदस्त सी हो, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, कमिटमेंट टू क्वालिटी, ऐसे वाले सी की बात कर रहा हूँ। देन HR डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट, कंपेंसेशन, पैसा क्या देना है, ट्रेनिंग, ये सब को लेकर भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होना चाहिए। देन बड़ी बड़ी फर्म्स में, बिग फोर्स वगैरह में, एंगेजमेंट पार्टनर को डिटरमाइन करना, एंगेजमेंट पार्टनर के रोल को डिफाइन करना, ये भी है जो ह्यूमन रिसोर्स का हेड होता है वो करता है। तो भाई विथ रिस्पेक्ट टू एंगेजमेंट पार्टनर, HR पॉलिसी शैल कंसिडर वेदर एंगेजमेंट पार्टनर हैज नेसेसरी CCC एंड हिज रोल इज क्लियरली डिफाइंड। तो ये ह्यूमन रिसोर्स का पॉइंट, बाकी ह्यूमन रिसोर्स का पॉइंट ऐसे जैसे 220 में तो नहीं है, ऐसे 220 में एक लाइन है कि जो एंगेजमेंट पार्टनर है ना, जो एंगेजमेंट पार्टनर, उसको एक बार देख लेना चाहिए कि उसकी टीम में जो जो लोग असाइन हुए हैं वेदर दे हैव अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज टू परफॉर्म द ऑडिट एंगेजमेंट। तो ये आपका एच भी डाउन हो गया, एल फॉर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ई फॉर एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ए फॉर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस, एच फॉर ह्यूमन रिसोर्स, ई फॉर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। SQC 1 जो है भाई, मैं CEO मैनेजिंग पार्टनर, ऑलराइट, सिर्फ थियरी समझ के उड़ाओ मत इसको, समझो मैं जो CEO मैनेजिंग पार्टनर हूं वो पूरे फर्म लेवल पे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिसाइड करूंगा ताकि हर एक टीम को अपना अपना ब्रीफिंग मिले। देन पूरे फर्म लेवल पे मैं सारे पार्टनर्स को कम्युनिकेट करके रखूंगा कि अगर टीम को कोई डिफिकल्टी हो रही है तो उन्हें कंसल्टेशन मिलना चाहिए, ऑलराइट, उन्हें कंसल्टेशन मिलना चाहिए। देन पूरे फर्म लेवल पे डॉक्यूमेंटेशन की पॉलिसीज प्रोसीजर्स में इंप्लीमेंट, आई मीन डिजाइन करके रखूंगा। अरे सुनो भाई, डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट्स को मैंने काटा है SQC 1 में, ये समरी नोट्स में,
आई हैव ट्रिम्ड द पॉइंट्स बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट्स है ना ऐसे 230 में कवर हो जाते हैं, वो वाले रिविजन में मैं कवर करता हूँ, मतलब उसमें अच्छे से कवर हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं किया है। वो ओनरशिप ऑफ वर्किंग पेपर्स और इंटरेस्ट, ऐसे भी याद है आपको, ओनरशिप ऑफ वर्किंग पेपर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर, रिटेंशन ऑफ वर्किंग पेपर्स 7 ईयर्स तक रिटेन करना है, असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल 60 डेज के अंदर असेंबली बनाने, असेंबली कर देनी ऑडिट फाइल की, ये सारे पॉइंट्स भी है ये एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। देन पूरे फर्म लेवल पे झगड़े होने के चांसेस है, तो अगर फर्स्ट ईयर आर्टिकल थर्ड ईयर आर्टिकल का झगड़ा होगा तो क्या होगा, एक ऐसे फाइट का मैच एक ऑर्गेनाइज होना चाहिए, नहीं भाई, उसकी भी फर्म्स पॉलिसीज प्रोसीजर्स होनी चाहिए डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को लेकर भी। ऑलराइट, एंड देन सबसे जबरदस्त पॉइंट है जो फाइनल से उनका फेवरेट है, एक आपको पता है क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स में से कितने फेवरेट पॉइंट है, एक ये एथिकल रिक्वायरमेंट्स वाला, फिर ये क्लाइंट एक्सेप्टेंस वाला, और अब जो मैं पढ़ाने जाने वाला हूँ EQCR एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। वहां पे थोड़ा ब्लैंक्स रखा है बिकॉज मुझे आपके साथ बात करनी है। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, पहले तो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ये जो मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं आपको, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ये जो मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं आपको, दिस इज मैंडेटरी ओनली इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। अगर आप लिस्टेड एंटिटीज का ऑडिट कर रहे हो तो ये कंसेप्ट मैंडेटरी है, वॉलंटरीली यू मे अप्लाई इन ऑडिट ऑफ अदर एंटिटीज, वॉलंटरीली यू मे अप्लाई इन ऑडिट ऑफ अदर एंटिटीज। अब ये भाई EQCR क्या है, देखो बहुत सिंपल है, अगर ABC फर्म इज द ऑडिटर ऑफ एक्स लिमिटेड, एंड समझो एक्स लिमिटेड लिस्टेड एंटिटी है, CAA समझो एंगेजमेंट पार्टनर है, तो ये CAA एंड उसकी जो ऑडिट टीम है, इसका जो काम है वो कोई और रिव्यू करना चाहिए, इसका एक एडिशनल रिव्यू होना चाहिए, एडिशनल रिव्यू होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होना चाहिए बिफोर द रिपोर्ट इज साइंड। आई रिपीट, बिफोर द रिपोर्ट इज साइंड एक ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होना चाहिए। अब बात ये आती है कि ये करेगा कौन, EQCR एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करेगा कौन। देखो भाई, या तो कोई पार्टनर कर सकता है अदर देन एंगेजमेंट पार्टनर, या तो कोई सीनियर पर्सन ऑफ द फर्म भी कर सकता है, फर्म का कोई एम्प्लॉय भी कर सकता है, या तो कोई सूटेबली क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन भी कर सकता है, सूटेबली क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन भी कर सकता है, या तो बिग फोर जैसे में क्या होता है, एक पूरी टीम होती है जो क्वालिटी कंट्रोल की टीम होती है, टीम ऑफ इंडिविजुअल्स, हर एक टीम मेंबर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं रहेगा तो चलेगा, पर इट शुड बी हेडेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट लेट मी टेल यू, ये EQCR जो भी करेगा ऑब्वियसली CA तो होना चाहिए, टीम के केस में हर एक मेंबर CA नहीं रहेगा तो चलेगा, बट इट शुड बी हेडेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA तो होना चाहिए, लेकिन प्लस उसकी थोड़ी ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी यानी अनबायस्ड। सर लेट मी टेल यू, ये चीज को लेकर मॉड्यूल में क्वेश्चन है, मॉड्यूल में क्वेश्चन ये है कि एंगेजमेंट पार्टनर जो है वो बड़ी बड़ी चीजों के लिए जो ऑडिट में जो उसको डिफिकल्टी आ रही है उसके लिए बार बार बी या सी को, समझो बी के साथ कंसल्टेंसी ले रहा है, अब बी जो है वो लास्ट में CAA का ही एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने वाला है। टेल मी, अगर बी जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया ये एंगेजमेंट एंगेजमेंट ये ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर, तो कैन आई से फिर बी का ऑब्जेक्टिविटी अनबायस्ड एटीट्यूड कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा? तुम क्या साला बार बार एग्जामिनर के पास जाके बोल सकते हो कि मेरे को आंसर लिखने में मदद करो? नहीं ना, तो ये ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की। ऐसा नहीं है ए बी के साथ बात नहीं कर सकता, लेकिन उस हद तक कंसल्टेशन नहीं ले सकता कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ये एक जबरदस्त केस स्टडी है मॉड्यूल के अंदर, सब पढ़ के आया हूं मैं और आपको फटाफट समरी बता रहा हूं। ये जो CAB है जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करेगा, और उसका रोल क्या होता है? देखो भाई, उसका रोल होगा सिग्निफिकेंट जजमेंट्स को इवैल्यूएट करना, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स को इवैल्यूएट करना, फिर लास्ट में जो ड्राफ्ट रिपोर्ट बनता है ना वो ड्राफ्ट रिपोर्ट देखने का, फिर लास्ट में जो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं ना, लास्ट में जो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो देखने का, ऑलराइट। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एंगेजमेंट टीम जो है उन्होंने इंडिपेंडेंस के साथ कंप्लाई किया है कि नहीं किया है,
और एंगेजमेंट पार्टनर ने वो चीजें वेरीफाई की थी कि नहीं की थी, ऑलराइट, उसका असेसमेंट देखना, ये सब मेन रोल है. लेट मी टेल यू, ओल्ड सिलेबस की मॉड्यूल में, मैं तो ओल्ड का ओल्ड भी जानता हूं, ग्रैंड ओल्ड सिलेबस भी, तो ओल्ड सिलेबस की मॉड्यूल में इसके ऊपर क्वेश्चन था कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जो है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जो है, ऑलराइट, या जस्ट अ मिनट, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जो है वो इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स देखना चाहता है, लेकिन एंगेजमेंट पार्टनर ना बोल रहा है, तो एंगेजमेंट पार्टनर गलत है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द रोल ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर. आई रिपीट, अगर समझो कोई एंगेजमेंट पार्टनर वर्सेस एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ऐसा कुछ हो गया, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया, करेक्ट, जैसे ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विल बी रिजॉल्व एज पर फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ये भी क्वेश्चन रह चुका है. देन जस्ट बिकॉज एक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल हो रहा, कंट्रोल रिव्यू हो रहा है, EQCR हो रहा है, तो EQCR डज नॉट रिड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर. आई रिपीट, EQCR डज नॉट रिड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर. एंगेजमेंट पार्टनर इज स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ऑडिट ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगेजमेंट. ऑलराइट, सो EQCR विल नॉट रिड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर. आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर. ये सब SQC 1 के अंदर है. अच्छा, SA 220 में क्या लिखा है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को लेकर? भाई पहले तो SA 220 में लिखा है कि जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो खुद क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए अपनी टीम का DSR करके. देन अगर टीम को कहीं जरूरत है तो कंसल्टेशन दिलाना चाहिए. लेकिन EQCR को लेकर लेट मी टेल यू, एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रज्ञेश को याद दिलाए कि भाई मेरा EQCR करवाना है. तो एंगेजमेंट पार्टनर यू हैव टू एंश्योर दैट EQCR हैज बीन अपॉइंटेड, एंड जब तक EQCR कंप्लीट नहीं होता तब तक आप ऑडिट रिपोर्ट को साइन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते. ये MCQ के लिए ध्यान रखना, दैट इज व्हाट इज गिवन ओवर हियर. ऑलराइट, तो ये आपका पूरा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को लेकर हो गया, ये पूरा आपका एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को लेकर हो गया. ले अहम में अभी लास्ट एलिमेंट है मॉनिटरिंग. मॉनिटरिंग की जब मैं बात करता हूं तो ऑब्वियसली मैं CEO मैनेजिंग पार्टनर मैं पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डिजाइन करूंगा, खास करके ये देखने के लिए कि मेरी खुद की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स राव है कि नहीं. अरे राव का मतलब इट रेलेवेंट है, एडिक्वेट है, एंड वेदर इट इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली. देन मैं मॉनिटरिंग जो कर रहा हूं, ऑलराइट, वो मॉनिटरिंग करते वक्त मुझे मेन चीजें क्या कंसिडर करनी कि भाई कुछ नया डेवलपमेंट्स अगर हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल INDAS का आना वगैरह, तो वो सब इनकॉर्पोरेट तो होना चाहिए. देन अगर कुछ कंप्लेंस एलिगेशन वगैरह, समझो मॉनिटरिंग के वक्त ये सब चीजें सामने आएगी, तो उसके साथ कैसे डील करना है, उसका भी एक प्रोसेस होना चाहिए मेरे पास. एंड देन ऑब्वियसली मॉनिटरिंग के वक्त अगर मुझे कुछ डेफिशिएंसीज लगी तो व्हाट आर द रेमेडियल एक्शंस टू बी टेकन. सो न्यू डेवलपमेंट्स, डीलिंग विद कंप्लेंस एंड रेमेडियल एक्शन टू बी टेकन, NCR, दीज आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग द मॉनिटरिंग पॉलिसी. और आप कौन हो एंगेजमेंट पार्टनर, लिसन टू मी, मैं एक बार मॉनिटरिंग कर लूंगा, उसके बाद उसके रिजल्ट्स बाहर आएंगे, रिजल्ट्स बाहर आएंगे तो आपको देखना है कहीं आपके ऊपर कोई नेगेटिव कमेंट तो नहीं है, एंड अगर आपके ऊपर नेगेटिव कमेंट है तो आपको अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है. एंड अगर मॉनिटरिंग के जब रिजल्ट्स बाहर आते हैं उसमें मैंने कुछ नया टेक्निक्स अडॉप्ट करने के लिए बोला है तो आपको खुद को अपडेट करना है. इसमें ना ये क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड पड़ते हैं, थोड़ा बड़ा फर्म इमेजिन करने का. एंगेजमेंट पार्टनर शैल इवैल्यूएट रिजल्ट्स ऑफ फर्म्स मॉनिटरिंग प्रोसेस एंड टेक नेसेसरी करेक्टिव एक्शन, एग्जाम्पल अपडेटिंग प्रोसीजर्स. तो ये आपका पूरा ले अहम SQC 1 एंड SA 220 दोनों को कंपेयर करके हो गया, और जो जो क्वेश्चंस मॉड्यूल में वो भी मैंने आपको ब्रॉडली बता दिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी. लेकिन मेरी बात सुनो, एक बार जरा मॉड्यूल को ऐसे घुमाते हैं तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल चालू होता है. देखो ये SQC 1, ये एक एक एलिमेंट को लोग उठाते हैं, L फॉर लीडरशिप उठाते हैं, फिर E फॉर एथिकल रिक्वायरमेंट्स उठाते हैं, उसमें वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स एक्सप्लेन किया है, पर वो तो मुझे पता है प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर में एनीवेज देख लेते हो, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी वगैरह. तो मैंने क्या किया, क्वालिटी कंट्रोल के जो पॉइंट्स है उसको मेरी नोट्स में रखा है. एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस का पॉइंट है, उसमें एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया जो मैंने दो तीन शब्द में कॉमा कॉमा करके लिखा हुआ है. देन ह्यूमन रिसोर्स को लेकर पॉइंट है, देन एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को लेकर पॉइंट है, देन EQCR का रोल क्या होता है वो सब है इसके अंदर, EQCR है. डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट्स है जो मैंने आपको बोला SA 230 में एनीवेज कवर हो जाते हैं. एंड मॉनिटरिंग को लेकर क्या फैक्टर्स कंसिडर होने चाहिए वो लास्ट में मैंने तीन जो बोले तो यहाँ पे पांच है, ऐसे कर करके समरी बनाई है.
देन ऐसे 220 में वापस वही पांच एलिमेंट छह एलिमेंट वो लोग ले लेते हैं एंड उसी को करते हैं. ऐसे 220 तो पूरा का पूरा हमने कर लिया था नोट्स के अंदर ही. ठीक है, अब सुनो इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट, SQC1 और ऐसे 220 का डिफरेंस. SQC1 और ऐसे 220 का डिफरेंस वो मैंने स्टार्टिंग से बता दिया आपको क्या डिफरेंस है यार. SQC1 फर्म लेवल पे, ऐसे 220 ऑडिट एंगेजमेंट लेवल पे है. सो ये तो है ही सेंसिटिव. अब ये पढ़ोगे ना आपको पता चलेगा सर ने ऑलरेडी बता दिया ये, पर ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एज अ क्वेश्चन. देन लास्ट में उन्होंने दिए मैकेनिज्म्स फॉर रिव्यू ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. देखो भाई पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये सब बड़े बड़े चैप्टर्स थे पहले. अभी बहुत ही समरीच में आ गई है चीजें, ओल्ड सिलेबस से बड़े बड़े चैप्टर्स थे ये. सो पीयर रिव्यू क्या है, ICAI ने खुद ही एक पीयर रिव्यू बोर्ड सेटअप किया है जो अलग अलग प्रैक्टिसिंग सीए का एग्जामिनेशन करता है. लेकिन खास बात जो इसमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि पीयर रिव्यू को पीयर रिव्यू क्यों बोलते हैं, बिकॉज वन प्रैक्टिसिंग सीए का एग्जामिनेशन दूसरा प्रैक्टिसिंग सीए कर रहा है. लेकिन लेट मी टेल यू, प्रैक्टिसिंग सीए का सिर्फ और सिर्फ अश्योरेंस एंगेजमेंट्स का ही एग्जामिनेशन हो सकता है पीयर रिव्यू में. आई रिपीट, प्रैक्टिसिंग सीए ने जो अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड की है सिर्फ उसी का एग्जामिनेशन हो सकता है पीयर रिव्यू के अंदर. बाकी पीयर रिव्यू में क्या होता है, लास्ट में पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट बना के देते हैं. इसका मतलब ICAI ने आपकी क्वालिटी चेक कर ली है, दे आर सेटिस्फाइड विद दैट. अगर वो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट के अंदर कुछ नेगेटिव रिमार्क्स वगैरह तो ICAI आपको रीजन वीजन सब बता देता है. बाकी उससे ज्यादा और कुछ इसके अंदर लिखा नहीं है. और तो एक वन रीडिंग करना है. क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है. लेट मी टेल यू, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड बनाया गया सीए एक्ट के अंदर ही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, ICAI ने नहीं बनाया. क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का फोकस स्टैट्यूटरी ऑडिट पे है. आई रिपीट, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का फोकस स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर है, पूरे अश्योरेंस एंगेजमेंट पे भी नहीं. पीयर रिव्यू बोर्ड तो भाई इंटरनल ऑडिट, स्टैट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, कोई भी ऑडिट उठा सकता है. क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का फोकस स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर है. और ये लोग सब बार बार यही बात कर रहे हैं कि प्रोफेशनल एथिकल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए कि नहीं हुए हैं, सर्विसेज का क्वालिटी मेंटेन किया है कि नहीं किया है. लेकिन जो सबसे जबरदस्त एडजस्टमेंट है वो दो मिनट सुन लो. नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ये कंपनीज एक्ट के अंदर बनाई गई अथॉरिटी है. नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी कंपनीज एक्ट के अंदर बनाई गई है. सबसे जबरदस्त एडजस्टमेंट ये है कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी उसका ना जुरिस्डिक्शन डिफाइन किया गया है. जुरिस्डिक्शन मतलब NFRA कौन सी कंपनीज पे अपना हक जमा सकता है वो कंपनीज एक्ट ने डिफाइन किया है. उसके अंदर काफी सारी कंपनीज है, लेकिन मॉड्यूल में एग्जाम्पल दिया है कि NFRA जो है वो लिस्टेड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज एंड बैंकिंग कंपनीज के ऊपर अपना हक जमा सकता है. लेट मी टेल यू, ये जो कंपनीज है इनका अकाउंट्स एंड ऑडिट का पूरा इन्वेस्टिगेशन करने का अथॉरिटी किसके पास है, NFRA के पास है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के पास है. इसका मतलब अगर आप क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, देखो पीयर रिव्यू बोर्ड तो कोई भी सीए का एग्जामिनेशन कर सकता है, लेकिन अगर आप क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, अगर आप क्वालिटी रिव्यू बोर्ड एंड अगर ABC फर्म ने ऑडिट किया है एक्स लिमिटेड का, एंड समझो एक्स लिमिटेड लिस्टेड एंटिटी है, तो एज अ क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्या आप ABC फर्म को सिलेक्ट कर सकते हो? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन एक्स लिमिटेड वाली फाइल को टच नहीं कर सकते बिकॉज उसके ऊपर NFRA का जुरिस्डिक्शन है. एक्स लिमिटेड की फाइल को क्वालिटी रिव्यू बोर्ड तभी टच कर पाएगा अगर NFRA ने क्लियरली मेल लिख के बोला है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को कि आप ये वाला फाइल भी सिलेक्ट कर लो. सो इन शॉर्ट, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड कैन रिव्यू द एंगेजमेंट्स ऑफ दीज एंटिटीज ओनली इफ इट इज रेफर्ड बाय NFRA. अदरवाइज क्वालिटी रिव्यू बोर्ड कैनॉट टच दीज फाइल्स फॉर इन्वेस्टिगेशन. आई होप आई एम क्लियर विद दिस. येस और नो सर? येस सर, येस सर, येस सर. और फिर इसके बाद आप देखते हो जो केस स्टडी बेस्ड MCQ और वो चैप्टर खत्म हो जाता है. सो थैंक यू सो मच. दैट इज योर रिविजन फॉर क्वालिटी कंट्रोल चैप्टर.